हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम आज जर्नल एंट्री के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आगे लिखते हैं फर्स्ट देखते हैं ऑन 1 मार्च 2020 बालाजी ट्रेडर्स, मतलब ये कंपनी का नाम दे रखा है कि बालाजी ट्रेडर्स ने क्या 1 मार्च को क्या किया था, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कितने रुपीस में, 2 लाख में, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते चलते हैं, ऐसा करते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। तो ये क्या कहा है कि बालाजी ट्रेडर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट करने में हम कुछ अमाउंट लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी, देखिए डेट आती है सबसे पहले, तो डेट आपको लिखी हुई होती है, वही डेट लिखनी होती है। तो डेट मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एंट्री पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट कैसा रहेगा, ये डेबिट कितना अमाउंट है, 20 लाख, है ना, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, अमाउंट सेम ही आएगा 20 लाख। तो इसमें हमने कैश को डेबिट क्यों किया है, देखिए क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, तो इसलिए क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारे पास से पैसा गया किसके पास आया, बिजनेस के पास आया। अभी देखते हैं सेकंड एंट्री, यहाँ पर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रुपीज, मान लेते हैं 15 लाख, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कैश डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा किया, तो कैश जमा किया है बैंक में कितना, 15 लाख। तो हमारे पास से पैसा गया है, रिसीवर कौन है, बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 15 लाख टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश चला गया। तो समझ आ रहा है ना, बैंक को रिसीव हुआ तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। थर्ड एंट्री देखते हैं मशीनरी परचेज्ड रुपीज लाख, ठीक है। 2 लाख की मशीनरी परचेज की है, कुछ नहीं लिखा, इट मींस मशीनरी कैसे परचेज हुई है, कैश से। तो पैसा गया है हमारे पास से, तो क्या लिखेंगे,
क्या है हमारे पास? रिसीवर हम हुए ना किसके? मशीनरी बिजनेस में आई है। तो जब भी मशीनरी बिजनेस में आती है तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की है? 2 लाख। फिर कैसे ली है? ऑफ कोर्स कैश से ली है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट सेम ही रहनी है। ऐसे ही आपको एंट्री टैली में भी करनी होगी, ठीक है। मशीनरी परचेज, ये तो मशीनरी बिजनेस में आई है, तो व्हाट कम्स इन वो क्या होता है? डेबिट, तो मशीनरी को डेबिट कर दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अभी। अब हमने क्या परचेज किया? कंप्यूटर परचेज्ड एंड पेमेंट कैसे की? पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट की है। कितने की है? कितने का है कंप्यूटर? रुपीज 30 या 20 लिख लेते हैं, 1000 फुल स्टॉप। तो कंप्यूटर परचेज किया गया है, मतलब खरीदा गया है, परचेज की एंट्री होगी। तो कैसे लिखेंगे परचेज की एंट्री? कंप्यूटर खरीदा है, परचेज वर्ड आया है, तो कंप्यूटर क्या आया है? बिजनेस में कंप्यूटर आया है ना, तो लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का है? 20,000 का। फिर क्या आ जाएगा? टू कैश से नहीं हुई है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? चेक बता रखा है, इट मीन्स बैंक से पेमेंट हुई है। तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट ठीक है, समझ आ रहा है ना? कैसे करेंगे? तो क्रेडिट कैश हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी भी बिजनेस में आई थी, कंप्यूटर भी बिजनेस में कंपनी में आया है। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्या गया है? चेक गया है, तो बैंक लिख दिया हमने, ठीक है। चेक नहीं लिखेंगे, बैंक लिखते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। कैरियज पेड रुपीज कितना? 10,000 ठीक है। यहाँ पे क्या की गई है? पेमेंट की गई है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसका ही अकाउंट बनेगा कैरियज का, ठीक है। तो लिखते हैं कैरियज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैसी पेमेंट की गई है? कुछ नहीं लिखा तो बोला था क्या मानेंगे? कैश मानेंगे, तो क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। फिर पेमेंट सेम ही रहेगी, 10,000 मतलब 10,000 ठीक है। ये एक्सपेंस था हमारा, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। कैरियज क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना बिजनेस का। फिर आगे देखते हैं, सिक्स पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट की गई है किसके? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की। कितना? रुपीज 40,000 40,000। तो इसको कैसे लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को पता चल रहा है ये क्या है? एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो डेबिट में क्या डालेंगे? एडवर्टाइजमेंट ही लिखेंगे। अकाउंट
कैसा रहेगा? डेबिट पेमेंट कितनी है? 40,000। फिर इसी को ही क्या कर देंगे, टू, देखिए पेमेंट किससे हुई थी, यहाँ पर चेक से पेमेंट हुई है, तो मतलब कि बैंक, तो बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, और पेमेंट कितनी रहेगी, 40,000 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा आगे कुछ नहीं दे रखा। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक, ठीक है। नोट्स भी लिखने होते हैं ना, इसलिए बता रही हूँ। सेवन देख लेते हैं अभी। कमीशन अगर हमें रिसीव्ड होती है, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड रुपीस 15,000, 15,000 की कमीशन हमें रिसीव्ड हुई है, तो बिजनेस में पैसा आया है। तो जब भी कमीशन रिसीव्ड होगी, इट मींस व्हाट कम्स इन बिजनेसेस, क्रेडिट साइड में आएगा वो। तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा, कैसे रिसीव हुई है, बैंक वो सॉरी चेक से या फिर कैश से, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, कैश ही लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कमीशन रिसीव्ड, अकाउंट ठीक है, बिजनेस में पैसा आया है। बताया था ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, और ऑल इनकम, इनकम या फिर गेन क्या होती है, क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव्ड को इसीलिए हमने क्या डाल दिया है, क्रेडिट साइड में डाल दिया है, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं, एट, यहाँ पर कैश विड्रॉन डिपॉजिट का देखा था एक बार ही, हम विड्रॉ का भी देख लेते हैं कि जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, ठीक है, किस लिए, फॉर ऑफिस यूज, कितने के, कितने रुपीस विड्रॉ किए हैं, मान लीजिए 55,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसमें स्पेशली बताया गया है ऑफिस यूज के लिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट, पेमेंट कितनी है 55,000, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से निकाले ना इसलिए बैंक अकाउंट, पेमेंट कितनी है 55,000, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं कि जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो कैश आया है बिजनेस में, डेबिट हो गया, कैपिटल को क्या कहते हैं, जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसको कहते हैं कैपिटल। फिर कैश डिपॉजिट किया था, जमा किया था बैंक में 15,00,000 रुपए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर मशीनरी परचेज की है, बिजनेस में कुछ आया है, मशीनरी एसेट आया है, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी फिक्स्ड एसेट होती है ना, तो इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर कंप्यूटर परचेज किया है बट चेक से किया है, तो बैंक आ जाएगा, ठीक है, क्रेडिट में, और कंप्यूटर एसेट है ये भी क्या आ जाएगा, डेबिट में। कैरियज पेड, ये क्या है, एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इसने डेबिट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का, बट पे कैसे किया है, चेक से किया है, तो
ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ठीक है डेबिट में डाल दिया इसको, बट चेक से किया है तो नीचे क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड में इसमें क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, बैंक आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कमीशन रिसीव्ड हुई है 15,000 रुपए की, तो बिजनेस में कैश आया है। अगर बाय चेक होता तो बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश लिखा है मतलब कैश से हुई है। ठीक है, फिर कैश हमने निकाला है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, अगर पर्सनल यूज लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता, ड्रॉइंग्स आता। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी, अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।